अब की बार तो देखो पहाड़ पे डबल मार लगी है, क्यों? क्योंकि एक तो सेब जो था ना उसका साइज नहीं बना, टूरिज्म कम हो गया, कम तो माल रोड तो भाई पूरा ही खाली है। तो देखो गिने चुने लोग बैठे हुए हैं। तो भाई हम पहुंच गए वापस सोलांग वैली और मौसम हो रखा है बारिश का, इस तरफ तो कम है। तो भाई जिसने भी मेरी स्नो वाली कैंपिंग देखी थी ना, तो स्नो वाली कैंपिंग में मैं यहाँ रुका था, यहाँ पे ये एग्जैक्टली जगह थी। और ये सामने इधर वो भाई ये जो डैम दिख रहा ना आपको, ये 95 में फ्लड आई थी और उसके बाद इस फ्लड को रोकने के लिए बनाया था और अब की बार इसने काम किया। भाई अभी जा रहे हैं मनाली, मनाली में थोड़ा सा सामान खरीदना क्योंकि कल थोड़ा सा खीर वगैरह का भंडारा करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों कैसे हो आप सब? सो दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं मनाली पहुँच चुका था और अभी मैं फ़िलहाल हूँ मनाली में और एक नॉन के होटल में रुका हुआ हूँ, क्योंकि भाई अब भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। पर मतलब वो स्टाफ वगैरह सब ने घर भेज रखा क्योंकि काम नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे। तो बट इस होटल में कोई ऐसा इशू नहीं आया, खाना वगैरह हम बाहर से खा के ही आए थे। तो दोस्तों आज हम देखते हैं मनाली में लोकल लाइफ क्या चल रही है। तो वहाँ पर मार्केट्स जाएंगे, आसपास का एरिया देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है लोगों के बीच में, तो वो आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो ये देखिए ये है बाहर का व्यू, ये मेरा रूम है, ठीक है, और काफ़ी साफ़ सुथरा और क्लीन नाइस। और व्यू देखिए आप यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से है व्यू, सामने पीछे हमटा वाला पहाड़ है और ये सामने दिख रही है आपको मनाली। काफ़ी नाइस एंड क्लीन है, तो ब्लॉसम नाम है इसका, मेरे को याद है ब्लॉसम के नाम से है। तो काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा होटल है, अगर कभी आते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो अभी अपना बैग वगैरह हो गए दोबारा पैक, कपड़े वगैरह सब पैक कर दिए और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। तो भाई दोनों तरफ सेब लगे हुए हैं बढ़िया, ये देखिए सेब के बागान हैं और मस्त माहौल है अभी। अब धीरे धीरे उन चीज़ों का इफ़ेक्ट दिखना कम होने लग गया है। और ये सामने दिख रही है मनाली, हम हैं पिरनी के एरिया में, ये जो एरिया है ये पिरनी एरिया कहलाता है। तो भाई इस एरिया में मनाली के में कोई बहुत बहुत इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, कहीं भी कोई ऐसा स्लाइड या कोई ऐसी मतलब किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। तो पिरनी वाला जो एरिया था वो मोस्टली सेफ ही था सारा, कहीं कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी। अब ये देखिए भाई बीच बीच में सेब के बाग आ जाते हैं, फिर होटल्स आ जाते हैं, फिर सेब के बाग आ जाते हैं, तो मिक्स चलता है पिरनी साइड में। तो उधर उधर का जो एरिया मिलेगा ना आपको मनाली के दूसरे मेन रोड का जो हाईवे का है, उस एरिया में डिस्टर्बेंस है। उसमें क्या है कि रोड्स अप एंड डाउन हो गए, बट रोड कनेक्टेड हो गए अब वो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो भाई मनाली तो एज इट इज़ हो गई है, बट अभी टूरिस्ट नहीं है भाई, टूरिस्ट बहुत बहुत हैं बट बहुत बहुत कम टूरिस्ट हैं। नहीं तो किसी टाइम ये ऐसा था, इस टाइम तो ये यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता था बट क्राउड होता था। अब तो बस गिने चुनी गाड़ियाँ दिख रही हैं बाहर की। भाई एक आपने नाइट की एक वीडियो देखी होगी जिसमें नाला आ गया था रात को और हमें रुकना पड़ गया था। ये तो इधर तो स्लाइड आई थी और वो नाला आया हुआ था होटल्स के बीच में से, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब चलो ये था कि वो बस पत्थर वगैरह आए रोड को ब्लॉक कर दिया, बट ज़्यादा वो नहीं कर पाया। वो जो सामने गाड़ी आ रही है वहाँ पे इस साइड में बस यही छोटी मोटी कहीं कोई हल्की फुल्की स्लाइड्स दिख रही हैं और यहाँ से नाला आ गया था पूरा। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पानी आता हुआ दिख रहा है, ये पूरा भर के आ गया था, पूरा पैक होके। और हम पहुँच गए हैं माल रोड के पास में। तो भाई हम कर रहे हैं अभी वेट, नरेंद्र आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम था बाज़ार में, तो अभी नरेंद्र आ जाता है और फिर दिखाते हैं आपको बाज़ार और फिर हो सकता है शायद हम या तो सोलन वैली की तरफ जाएं या फिर नीचे की तरफ जाएं, पर सोलन वैली की तरफ जाना ठीक है, तो सोलन वैली घूम के आएंगे। यहाँ चल रहा है देवता का फंक्शन, देवता आया भाई देखो सामने, तो ऐसे ही इनके देवता मूव करते हैं और पूरा गाँव साथ में मूव करता है। ये देखो ये शायद यहाँ पर आए हुए हैं और ये इनका ठिकाना है रुकने का, तो ये यहाँ रुकेंगे और फिर जाएंगे। तो भाई माल रोड का हाल तो खाली खाली है, सिर्फ लोकल लोग हैं देख लो। और
नरेंद्र आ चुका था, जो काम था हमारा बैंक का तो हो ही गया, ऑलमोस्ट डन। फिर आएगी भाई इस मौसम में बाहर, फिर आएगी थोड़े दिन बाद। तो माल रोड तो भाई पूरा ही खाली है, तो देखो गिने चुने लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। ये देखो, ये देखिए भाई, बस मार्केट तकरीबन खुली हुई है, मार्केट तो ऑलमोस्ट सारी ही खुली हुई है, 50% से ज़्यादा तो इतनी ही होती है भाई। पर ग्राहक तो नहीं है, ग्राहक के बिना क्या करोगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सोलन वैली की तरफ, तो देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ तक तो हम गए पर पिछली बार हमें टाइम मिला ही नहीं सोलन वैली जाने का, पर अब की बार नरेंद्र भाई भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी वो स्कूटी लेके आए हुए थे, तो वो स्कूटी खड़ी करेंगे वहाँ पे और फिर निकलेंगे, फिर देखते हैं क्या माहौल है आगे का। और ये देखो भाई, इधर पहले है ना कितनी खूबसूरत लगती थी रिवर, और अब सिर्फ पत्थर ही पत्थर छोड़ दिए हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे कहीं भी, मतलब रिवर बिल्कुल कोने से निकल गई है। पहले रिवर इधर होती थी तो दिखती थी, सुंदर लगती थी। इस टाइप के ना, इस टाइप के दो तीन जगह पे गए हुए, वो थोड़ा सा खतरनाक हो गया, इसको दोबारा बनाना। यहाँ पे हुई थी थोड़ी सी ज़्यादा ही तबाही, क्योंकि यहाँ पे वो आपको बताया होगा, एक वीडियो आपने देखी होगी जहाँ पे 40 झुग्गियाँ एक साथ चली गई थी, तो वो भी इसी एरिए में गई थी। वो जो पीछे का जो एरिया खाली दिख रहा है ना, वहाँ पूरे एरिए में पहले झुग्गियाँ होती थी और अब वहाँ पे सिर्फ पत्थर ही दिख रहे हैं। देखो यहाँ ये रोड बड़ा सुंदर होता था, काफ़ी सारे फास्ट फूड शॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी, अभी भी है, बस टूरिस्ट आना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से गुलजार हो जाएगा एरिया। ज़्यादा डैमेज है नहीं नरेंद्र? नहीं है, इस एरिया में नहीं है डैमेज का। ऊपर वाले एरिया में टनल पार करके है जी, शिशु से लेके अटल टनल से लेके और शिशु तक थोड़ा रोड चले गया था ऐसी, पूरा रोड नदी में ही, वो जो चंद्रभागा रिवर है तो वो फिर अभी आरो वाला नहीं ऐसी, उन्होंने ठीक बना दिया था, निकलने बढ़ने कर दिया था, दो तीन दिन के अंदर कर दिया था। तो वही हाल है जो अपना मनाली से पतली कुल के बीच का है, एग्जैक्टली वही हाल, शिशु मतलब टनल क्रॉस करके तो है, बट यहाँ बीच में कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ एक्चुअल में क्या था कि रिवर काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो नरेंद्र भाई दिखा रहे हैं आपको रिवर, इस साइड में करो, ये देखो यहाँ पे रिवर की गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहराई है, पानी तो यहाँ भी काफ़ी ऊपर तक आया है। तो ये एरिया तो भाई एज इट इज़ है जैसा था, मतलब मनाली से सोलंग वैली तक में कहीं कोई भी इशू नहीं आ रहा, कहीं भी एक जगह सिर्फ हल्की सी रोड स्लाइड हो रखी, बाकी और कुछ नहीं। तो भाई जिसने भी मेरी स्नो वाली कैंपिंग देखी थी ना, तो स्नो वाली कैंपिंग में मैं यहाँ रुका था, यहाँ पे ये एग्जैक्टली जगह थी, और ये सामने इधर वो रेस्टोरेंट था, अब तो ये बंद हो गया है, और ये सामने था वो होटल जो दिखाया था आपको। और ये देखिए, वो ये देखिए, ये पलचान होटल है, काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है, और ये बुरांस कैफे। तो इसमें जो ये देखो आप ग्लास के जो बने हुए ना, तो बैठने के लिए, ताकि विंटर या समर में कोई भी ना आइए, देखो पांच बनाए हुए इन्होंने। तो भाई ये रास्ता चला जाता है सीधा रोहतांग को छोटी वाला, और ये चला जाता है अपना सोलन वैली। आजकल तो है ही कुछ नहीं कहीं भी, हर जगह देखोगे वही खाली, पर ये ही मज़ा है इस टाइम अगर आप आते हो ट्रैवलिंग का, सबसे बेस्ट है, ना कोई भीड़, ना रोड, ना जाम, नो ट्रैफिक, कुछ नहीं। आपको तो लगता है ना कि प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम एक और भी है भाई। प्रॉब्लम ये है कि आप होटल्स में जाओगे तो 80% होटलों के पास तो स्टाफ ही नहीं है, सब ने छुट्टी कर रखी है, 80% स्टाफ की छुट्टी है और अपने घर बैठा हुआ है। अब आते हो तो वो सर्विसेज नहीं मिलती, फिर क्या होता है आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओ तो
वहाँ प्रॉपर डिश नहीं मिलती, तो चीज़ों की देखो कहीं ना कहीं तो आपको वो करना ही पड़ता है सेक्रीफाइसेस। अब की बार तो देखो पहाड़ पे डबल मार लगी है, क्यों? क्योंकि एक तो सेब जो था ना उसका साइज़ नहीं बना, टूरिज्म कम हो गया, कम क्या अभी तो ख़त्म ही हो गया, तो भाई पहाड़ पे तो दोनों तरीके से मार लगी है अब की बार, इधर से बिजनेस की उधर से फसल की। पर भाई वैसे अगर देखो ग्रीनरी और बाकी चीज़ों के बारे में देखो तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल लैश ग्रीन होता है एरिया पूरा। अब तो इस रोड पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे बन गए, नहीं तो पहले कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक मैगी की दुकान थी कहीं आसपास में, और अब तो यहाँ शायद दो तीन होटल भी बन गए यहाँ नीचे जाके। तो ये सामने दिख रहा है सोलांग विलेज, हम बस पहुँच चुके हैं सोलांग ग्राउंड के पास में। पर भाई अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जगह तो वही है बट ट्रैफिक, रोड, बंदे, सब कुछ खतर, सिर्फ कैफ़े के ओनर्स या कुछ लोकल ही दिख रहे हैं। तो भाई ये पहुंच गए हम सोलांग के ग्राउंड में, अरे सामने दिख गया होगा आपको ग्राउंड स्की। ये देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, नहीं तो पहले इतनी एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पे कि पूछो मत। मतलब ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सारी ही एक्टिविटीज़ होती थी, स्नो की भी, नॉन स्नो की भी। आपकी ये देखो ना बंजी जंप भी कितनी लगी हुई है यहाँ लाइन से, और उसके बाद ऊपर से पैराग्लाइडिंग होती है, एक शॉर्ट थी एक लॉन्ग थी। और ये राइट साइड में जो है ये अपना स्की सेंटर का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है, जो जिसका इंस्टीट्यूट नीचे है। ये माउंटेन, ये शायद स्नो स्की वगैरह सिखाते हैं जब विंटर में, यहाँ स्नो होती है ना काफ़ी। तो ये सामने आ गई है अटल टनल वाला रोड, यहाँ से अटल टनल पड़ती है लगभग 11 किलोमीटर, तो वहाँ जाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पे भी अब तो सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड रह गया भाई। तो अभी पर ये है कि यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं है, तो सब ठीक है, बढ़िया है। तो हम देख के आते हैं, थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं। तो ये सामने है विलेज, बहुत ही प्यारा, पर इस पे इसका रोड नहीं है, तो यहाँ इसमें जाना पड़ता है आपको थ्रू टू, वो ट्रैक करके ही जा सकते हो। पर अभी बन रहा है इसका रोड, हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम निकल गए सोलांग वैली से आगे रोहतांग की तरफ, रोहतांग कह रहा हूँ अपना टनल की तरफ, अटल टनल की तरफ, और थोड़ा सा आगे तक घूम के आएंगे फिर वापस आ जाएंगे। और ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारे, आधे लोगों का तो अभी देखने का भी दिल नहीं कर रहा जिस तरीके से लोगों ने बाढ़ देखी है ना यहाँ की। पर भाई बाढ़ ने एक क्षेत्र को प्रभावित किया था, ऐसा नहीं कि पूरा एरिया ही ख़राब हो गया। मनाली उतना ही ब्यूटीफुल है जितना पहले था। तो भाई बीच बीच में स्नो दिख रही है कहीं कहीं बट इतनी नहीं है, और इस मौसम में दिखना ही बहुत कुछ होता है। ये देखो हम इसको वैसे ही अंडर पास समझते थे, ये तो भाई पानी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है गिरते हुए, ब्यूटीफुल एकदम मस्त। और हम इसको वैसे ही मतलब हम सोच रहे थे वैसे ही उसके लिए बनाया हुआ है, पर ये बड़ा नाला है ना शायद उसको सेफ रखने के लिए रास्ते को ना गिरे इसमें, और इसके अंदर से ही गाड़ी है, गाड़ियों का बाईपास है। तो भाई यहाँ से निकल गए वापस, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है, बारिश वारिश का बारिश होगी तो फिर आ जाती है दिक्कत इन रोडों पर, अभी निकल जाते हैं। देखो भाई जहाँ पे भी देखोगे ना आप हर तरफ से पानी ही निकलता मिलेगा, इस टाइम तो झरने ही झरने बने हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ। जिस तरीके से आपने देखा ना पीछे वाला, इसी तरीके से बना रखा है, इसके ऊपर से पानी निकल सकता है इन केस जैसे ओवरफ्लो होता है तो इसके ऊपर से पानी निकल जाता है। तो भाई हम पहुँच गए वापस सोलांग वैली, और मौसम हो रखा है बारिश का, इस तरफ तो कम है बट ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो पूरा का पूरा बारिश का हो रखा है। और इस टाइम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गायें वगैरह ही दिख रही हैं भाई। अब जो खूबसूरती है ना, और शाम को तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है क्योंकि रिफ्लेक्ट कुछ करता नहीं, बिल्कुल एक्चुअल कलर आता है। और सामने दिख रहा है रोहतांग वाला पहाड़।
तो भाई वापस उतराए हैं नीचे और रिवर के किनारे पे आ गए हैं वापस, क्योंकि मनाली तो सारी रिवर के किनारे पे ही है बट सोलन वैली ऊपर हाइट में है, तो इसीलिए ऊपर के एरिया में कहीं भी कोई डिफेक्ट कोई इफेक्ट कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। बस यहाँ से नीचे स्टार्ट होता है, देखो जैसे ये कटा हुआ है नेहरू कुंड के पास में, यहाँ पे आपको सबको याद होगा क्योंकि यहाँ पे एक फूड वैन खड़ी होती थी, और जो लोग पहले आए हुए हैं तो ये नए वाला पुल भी स्टार्ट हो गया है बुरवा और सनाक के लिए नेहरू कुंड से। ये देखो ये आ गया अपना नेहरू कुंड। ये जो डैम दिख रहा है ना आपको, ये 95 में फ्लड आई थी और उसके बाद इस फ्लड को रोकने के लिए बनाया था, और अब की बार इसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि पानी को इस एरिया में नहीं आने दिया। इस तरह रेजिडेंशियल ये देखो, ये पूरा पहले ना पूरा ये रेजिडेंस एरिया था सारा निकल गया था, बट अब ठीक है। तो भाई अभी जा रहे हैं मनाली, मनाली में थोड़ा सा सामान खरीदना क्योंकि कल थोड़ा सा खीर वगैरह का भंडारा करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान खरीदेंगे और उसके बाद देखते हैं वो सामान पहले होटल पे भिजवाएंगे, वहाँ पे वो बनेगा और फिर कल उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये देखो भाई मनाली की एक शाम, ठंडी सी प्यारी सी, मतलब कंफर्ट है अब, मतलब वो चीज़ें धीरे धीरे भूलने लग गए हैं लोग, मतलब माइंड से हटने लग गए हैं, अब एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई है लोगों की धीरे धीरे। बस ये एक दो पॉइंट रह गए हैं जहाँ पे वन वे करना पड़ता है, और वहाँ पे भी वो खड़ी होती है पुलिस, तो इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, इशू नॉर्मल है सब कुछ, बट रिवर वो जो पहले जैसी दिखती थी ना अब वो नहीं दिखती। ये देखो भाई कुछ मतलब कुछ जगह तो इतना है पर रोड प्रॉपर है, एक गाड़ी तो बहुत बहुत आसानी से ट्रक भी निकल सकता है, तो कोई इशू नहीं है। बस हर जगह पर वन वे कर रखा है, दो तीन जगह ही है, ज़्यादा पॉइंट रहे नहीं है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस एरिया में तो थोड़ी बहुत स्लाइड दिख रही है, वो भी सिर्फ वो स्लाइड जो कटिंग हो रखी थी ना, सिर्फ वहाँ से, बाकी तो और कहीं भी कोई स्लाइड नहीं है इस एरिया में। अभी देखो मनाली की तो भाई वापस पहुँच गए हैं मनाली माल रोड के पास में, और फटाफट सामान खरीद के और भेजते हैं। वैसे उस वैसे सामान का वो भाई कह रहे हैं कि वहीं पे पास में ही एक बड़ी शॉप है, तो वहाँ से लेंगे उसके होटल के पास में ही, तो अभी मैं देखता हूँ अगर वो वहाँ से ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से भिजवाऊँगा, और सुबह खीर का भंडारा होगा ही होगा। सो दोस्तों आज का दिन हो गया ख़त्म, अब कोई काम है नहीं, मैं भी सीधा रूम में ही जाऊँगा, रूम में जाके सोना ही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताया करो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो। सो धन्यवाद, नमस्कार।